हेलो हेलो, मैं प्रिंस से बात कर रही हूँ। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार, मैं राजा के ऑफिस से बात कर रही हूँ। हाँ जी बोलिए मैम। एक्चुअली क्या है, मेरी राजा जी से बात हुई थी तो उन्होंने मुझे आपका नंबर दिया था। उनके अकाउंट में कुछ इशू आ चुका है तो उन्होंने बोला था कि मेरे फ्रेंड के अकाउंट में उनकी सैलरी ट्रांसफर करनी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दूँ सैलरी। मैम मैं एक बार ना राजा से कंफर्म कर लेता हूँ। एक्चुअली क्या है, राजा से मेरी बात हो चुकी है पहले ही, तो वो बहुत बिजी हैं। उन्होंने मुझे बताया था तो उन्होंने आपका नंबर दिया था, तो उन्होंने कहा कि उनके अकाउंट में डाल दूँ, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बताइए जल्दी कि मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दूँ। ठीक है मैम, कर दीजिए। ठीक है, मैं आपको एक लिंक भेज रही हूँ, आप एक बार लिंक चेक कर लीजिए, आपके फोन पे आ गया होगा। एक मिनट मैम। हाँ जी मैम, आ गया। आ गया, ठीक है। अच्छा, अब आपके फोन पे एक OTP आने वाला है, एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है मैम, वेट। मैम OTP है 9337। 9337, राइट? हाँ जी। ओके, अब आप 10 से 15 मिनट वेट कीजिए, आपके अकाउंट में सैलरी आ जाएगी राजा की। ओके, ठीक है मैम। यार 30,000 रुपए मेरे अकाउंट से क्यों कट गए? यार ये तो राजा की सैलरी भी नहीं आई और मेरे अकाउंट से 30,000 रुपए भी कट गए। अबे यार ये क्या OTP बता दिया यार, ये तो स्कैम हो गया यार। अब यार ये फोन भी नहीं उठा रही। यार क्या करूं यार, फोन उठा ले एक बार। एक काम करता हूँ, राजा के पास जाता हूँ, वही कुछ ना कुछ सॉल्यूशन देगा। भाई राजा, यार स्कैम हो गया यार। क्या हुआ भाई प्रिंस? भाई वो किसी लड़की का फोन आया था और वो कह रही थी कि मैं तुम्हारे ऑफिस से बात कर रही हूँ। अच्छा। और उस राजा ने कहा है कि तुम्हारे अकाउंट में पैसे डाल दूंगी मैं। और मैंने कहा कि मैं राजा से पूछ लेता हूँ, तो उसने कहा कि नहीं नहीं हमारी बात हो गई है और वो बिजी है। तो उन्होंने फिर कोई OTP भेजा, मैंने OTP बता दिया भाई, उसके बाद मेरे 30,000 रुपए कट गए भाई। अबे यार तू पागल है क्या? तेरे को तो बताने नहीं चाहिए था OTP, तेरे को पता नहीं है कितने सारे स्कैम हो रहे हैं OTP के थ्रू। अबे यार मैं क्या करूं भाई, कुछ बता यार। एक काम करते हैं, मेरा एक दोस्त है साइबर सेल में, मैं उसको फोन लगाता हूँ। हेलो साहिल। अबे भाई यार एक हेल्प चाहिए भाई तेरे से। भाई एक नंबर की ना लोकेशन चाहिए, मेरे दोस्त के साथ ना फ्रॉड कर दिया उसने। हाँ ठीक है, एक नंबर बता जल्दी बता। 97। हाँ 16। 74। 89। ठीक है। हेलो, वो मैडम। हाँ हाँ मेरी लॉटरी लगी है मैम। अच्छा OTP आएगा मैडम, एक सेकंड मैम देखता हूँ। मैडम मेरे पास तो कोई OTP आया नहीं अभी। अच्छा दोबारा भेज रहे हो आप, ठीक है मैम, ओके देखता हूँ मैं। अरे मैडम मैं ऐसा करूँ, बाद में बात करता हूँ आपसे, ठीक है मैम? हाँ ठीक है, बाय बाय बाय। हाँ साहिल, अरे यार तेरे पास आया वो लोकेशन? हाँ हाँ ठीक है, मेरे को व्हाट्सअप कर, ठीक है। अरे प्रिंस उस नंबर का ना लोकेशन मिल गया है, एक काम कर चलते हैं। चलते हैं भाई। हेलो। हाँ सर, मैंने आपके फ़ोन पे OTP भेज दिया है, OTP आ गया होगा, बता दीजिए। ओके ओके। ओ हेलो एक्सक्यूज मी, तुम दोनों मेरे ऑफिस में कैसे घुसते हुए चले आ रहे हो? शांत हो जाओ पहले तुम, और पहले मेरे को एक बात बताओ, इसको जानती हो? ओ हेलो, पहली बात तो तमीज से बात करना, तो मैं तुझे जानती हूँ ना मैं तुझे जानती हूँ। फिर एक बात बताओ मैडम, आपने इसको बिना जाने इसके अकाउंट से 30,000 रुपए काट कैसे लिए? मैडम तुम आजकल लॉटरी कुछ ज्यादा ही बांट रही हो, लिंक के थ्रू ही बांट रही हो, OTP के थ्रू बांट रही हो, और साथ ही साथ अकाउंट में भी है ना। तुम्हारी लॉटरी तो आज मैं निकालूंगा। अरे आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, ये तो हमारी आपस की बात है, मैं आपके फ्रेंड के पैसे मैं दे देती हूँ। वैसे मैडम तुम्हारे को गरीबों के अकाउंट से पैसे निकालने में मजा तो बहुत आता होगा, और उन पैसों को क्लब में बार में उड़ाने में बहुत मजा आता होगा तुम्हारे को। और मैडम एक बात बताऊँ तुम्हारे को, गरीब ना बहुत मुश्किलों से पैसा कमाते हैं, और तुम लोग एक OTP के थ्रू उनके अकाउंट से पैसे निकाल लेते हो, ये नहीं सोचते कि वो कितनी मेहनत करके कमा रहे हैं पैसे। और वैसे मैडम तुम जैसे लोगों ने ना गरीबों को और ज्यादा गरीब बना रखा है, उनसे पैसा लूट लूट के। और मैंने वैसे भी मैडम पुलिस को फोन कर दिया है, पुलिस आती होगी। ये लो मैडम पुलिस वाले आ ही गए तुम्हारे को ससुराल ले जाने के लिए। तुमने ये सब कैसे किया और किससे पूछ के किया? अरे मैडम किससे पूछ के किया, नेक काम में मैडम देरी नहीं करनी चाहिए,